यूपी की इस लोकसभा सीट पर बदल सकता है गठबंधन प्रत्याशी। हाथी के सुस्त रफ्तार बढ़ा रही सपा भाजपा की धुकधुकी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी फिर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, लेकिन अब तक बहुजन समाज पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। सपा और भाजपा प्रत्याशियों की दुख-दुखी बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले चुनावों में बसपा की टिकट पर उतरने वाले मनोज अग्रवाल इस बार खामोश हैं। ब्राह्मण, मुस्लिम और पाल समाज के नेताओं को बसपा सुप्रीमो से मिलवाने लखनऊ ले जाए गए थे। इन्हीं लोगों में से किसी एक पर दाव खेले जाने की चर्चा हो रही है। हालांकि स्थानीय बसपा नेता पूरी तरह से खामोश हैं और फोन भी नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को गठबंधन प्रत्याशी बदलने की उम्मीद। कांग्रेस नेताओं को अभी भी गठबंधन प्रत्याशी के बदलने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के डॉक्टर नवल किशोर शाक्य व भारतीय जनता पार्टी ने सांसद मुकेश राजपूत को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दोनों प्रत्याशी व उनकी पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी वैतरणी पार करने को पूरा जोर लगाए हुए हैं, जबकि बसपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पिछले दिनों बसपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह अम्बेडकर ने कहा था कि 15 मार्च तक पार्टी प्रत्याशी घोषित कर देगी, लेकिन अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि पार्टी मुखिया मायावती की पहली पसंद ब्राह्मण या मुस्लिम समाज का प्रत्याशी उतारने की है। इन दोनों समाज से किसी भी नेता ने चुनाव लड़ने में रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद अलीगंज क्षेत्र के पाल समाज के एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया गया। फतेहगढ़ के एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया, लेकिन वह अभी मन नहीं बना पाए हैं। दो दिन पहले पार्टी मुखिया से संभावित प्रत्याशी की भेंट कराई गई थी, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। बसपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह अम्बेडकर से बात करने के लिए फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया है। वहीं कांग्रेसियों को अभी भी उम्मीद है कि परिस्थितियां बदलेंगी और गठबंधन से फर्रुखाबाद की सीट कांग्रेस की झोली में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।